दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जौनपुर। वहाँ पे एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता है जो अपनी किराने की दुकान चलाता था। उस परिवार में दो बच्चे थे, बड़ा भाई अश्विनी और छोटा भाई दीपचंद। दोनों ही बचपन से क्रिकेट के बड़े शौकीन। जुनून इतना कि सुबह 4 बजे उठकर क्रिकेट फील्ड की तरफ दौड़ते थे, 9 बजे तक प्रैक्टिस करते थे और फिर अपने स्कूल जाते थे। सपना था कि किसी दिन भारत के लिए खेल सकें, लेकिन नियति को ये मंजूर न था। कुछ ही समय बाद पता चला कि बड़े भाई अश्विनी को कैंसर है। परिवार वालों ने लाख कोशिशें की, लेकिन अश्विनी को बचा नहीं पाए। फरवरी 2015 को अश्विनी की कैंसर से मृत्यु हो गई। इसका असर छोटे भाई दीपचंद पर भी हुआ। एक बार उसे सदमा लगा। चीज़ें जैसे ही वापस पटरी पर आने लगी, तब तक दीपचंद को एक प्रकार का स्किन की डिजीज़ हो गई। परिवार वालों ने बहुत कोशिश करी उसका इलाज करने की, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही थी। परिवार वालों को लगा कि ये जो सिम्टम्स हैं, ये ठीक ऐसे ही सिम्टम्स बड़े भाई अश्विनी के साथ भी थे। ये जानकर उसे यूपी के एक बड़े अस्पताल में दिखाया गया। वहाँ पता चला कि ये भी वही कैंसर है, ल्यूकेमिया है, जो बड़े भाई अश्विनी को था। परिवार वाले काफ़ी घबरा गए। वे मुंबई इलाज के लिए आए। इलाज का खर्चा इतना ज़्यादा था कि पिता को अपनी एकमात्र ज़मीन बेचनी पड़ी, माँ को अपने गहने बेचने पड़े और उनकी जो दुकान थी वो भी एक तरीके से बंद हो गई। लेकिन दीपचंद का इलाज हो गया और वो फिर अपने शहर लौट आए। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, कहानी यहाँ शुरू होती है। उसके 3 साल बाद वही कैंसर फिर से जागा। इस बार परिवार के पास न ज़मीन थी, न गहने थे, न कोई व्यापार था। वे समझ ही नहीं पाए कि इसका इलाज किस तरह से करें। इसके लिए उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी, जिसमें लाखों रुपए का खर्च आने वाला था। ऐसे में उनके काम आई क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग के थ्रू इस परिवार ने 22,75,000 रुपये इकट्ठा किए और मई 2019 में वो अपने बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा पाए और अब दीपचंद रिकवरी फेज़ में है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे ये क्राउड फंडिंग क्या है और क्राउड फंडिंग को किस तरीके से भारत में मेडिकल इमरजेंसीज के लिए यूज किया जा रहा है। दोस्तों, दीपचंद जैसे हजारों लाखों पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्राउड फंडिंग की मदद से अपना मेडिकल ट्रीटमेंट फंड करवाया और सक्सेसफुली रिकवरी भी की। तो क्राउड फंडिंग क्या होता है, इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको अपने इलाज के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। अब आप किसी एक इंसान से मांगेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान आपको 10 लाख रुपए डोनेशन में नहीं दे सकता, या 5 लोग मिलकर भी नहीं दे पाएंगे। पर अगर आप 1 लाख लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि सिर्फ 10 रुपए आपको डोनेट कर दें वो अपनी जेब से, तो सोचिए 1 लाख लोग इंटू 10 हो जाते हैं 10 लाख रुपए। और हर इंसान जिसने अपनी जेब से 10 रुपए डोनेशन दिया है, उसको 10 रुपए डोनेट करते हुए कोई भी पेन नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जेब से तो सिर्फ 10 रुपए ही गए, पर 10-10 रुपए 1 लाख लोगों से मिल करके 10 लाख रुपए आपको मिल गए अपने इलाज के लिए। इसे कहते हैं क्राउड फंडिंग। तो अब आपको ये समझ आ गया क्राउड फंडिंग होती क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा कि क्राउड फंडिंग के लिए हमें चाहिए 1 लाख ऐसे लोग जो आपको डोनेशन दे सकें। वो लोग आपको मिल जाएंगे Ketto.org पर। Ketto.org एशिया का मोस्ट विजिटेड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है और ये आप लोगों को अलाउ करता है अपने कॉज के लिए फंड्स रेज करने को। बहुत ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने मोबाइल फोन से भी एक फंड रेजर क्रिएट कर सकते हैं और वो फंड रेजर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि आपको सक्सेसफुली फंडिंग मिल जाए। इसके लिए आपको अपना फंड रेजर सोशल मीडिया पे हेविली प्रमोट करना पड़ेगा। दीपचंद जैसे जितने भी सक्सेसफुल फंड रेजर जिन्होंने कैटो के थ्रू फंडिंग रेज की है, सबको पावर ऑफ सोशल मीडिया की वजह से इतनी रीच मिली, इतने लोगों तक वो पहुंच पाए कि उन्हें अपने ट्रीटमेंट के लिए फंड्स मिल गए। इंडिया से डेली बेसिस पर 100+ रिक्वेस्ट जाती हैं Ketto.org पर फंड रेज करने की, जिसमें से 1500 से ज़्यादा कैंपेन्स भी कैटो पे रन कर रहे हैं, यानी 1500 से ज़्यादा पेशेंट्स अपना फंड्स इस समय रेज कर रहे हैं कैटो से और 30,000 पेशेंट सक्सेसफुली अपना मेडिकल फंड रेज कर भी चुके हैं। ये जितना भी डोनेशन आप रेज करेंगे, ये कोई भी लोन नहीं है जो आपको वापस चुकाना है। जितना भी आपने फंड रेज कर लिया वो आप अपने मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं और आपको वापस नहीं चुकाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कैटो काम कैसे करता है। मान लीजिए आपको अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फंड रेज करने हैं या आप अपने किसी फ्रेंड के लिए भी अगर फंड रेज करना चाहते हैं, तो सिंपली कैटो पर जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, अपना आईडी वेरीफाई करवाएं, क्योंकि कैटो इन मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको ये प्रूव जरूर करना पड़ेगा कि आपको पैसों की जरूरत है। प्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप, आपको अपना आईडी वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा आधार बेस्ड। उसके बाद आपको अपना फंड रेजर स्टार्ट करना पड़ेगा। फंड रेजर बनाते समय
आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल देनी है कि आपको कौन से इलाज के लिए पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, जो भी इलाज आपका चल रहा है या चलेगा उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर की रिपोर्ट्स, सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको अपने बारे में लिखना है कि आप कौन हैं, आपको खुद के लिए पैसा चाहिए या किसी और के लिए पैसा चाहिए। क्योंकि एक बात आप ध्यान दीजिए, कैटो आपको हज़ारों और लाखों लोगों की ऑडियंस प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो लोग मिलकर आपकी मदद कर सके। अब वो लोग मदद करेंगे या नहीं करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी ऑनेस्टी से अपना फंडरेजर क्रिएट करते हैं और कितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करवाते हैं। डोनर्स हो सकता है पैसे डोनेट करने से पहले आपसे बातचीत करना चाहें, तो आप अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करवा सकते हैं, आप कमेंट्स में उनसे बातचीत कर सकते हैं। और जितने भी प्रूफ डोनर्स को चाहिए अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, वो प्रूफ आप ज़रूर दे सकते हैं ताकि आपको बदले में डोनेशन मिले। जितना भी पैसा आप अपने फंड रेजर के थ्रू रेज करेंगे वो आपके कैटो अकाउंट में ही स्टोर्ड रहेगा जब तक कि आप उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट नहीं डाल देते। कैटो आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करता है डोनेशन प्रोसेस में। आप अपना फंड रेजर फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, आप अपने डोनर्स की लिस्ट देख सकते हैं कौन कौन से डोनर ने कितना कितना अमाउंट डोनेट किया है और कौन कौन से ऐसे डोनर्स हैं जिन्होंने आपका फंड रेजर एक बार विजिट तो कर लिया पर डोनेट नहीं किया। ऐसे लोगों को आप रिमाइंडर्स भी भेज सकते हैं, हो सकता है वो डोनेट करना भूल जाएं और आपके रिमाइंडर के बाद वो डोनेट कर दें। कैटो आपको ये भी बताता है कि आपके कितने डोनर्स ने आपका फंड रेजर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया और आपकी मदद की पैसा डोनेट करने में, तो आप उनको स्पेशल थैंक यू भी बोल सकते हैं। ये सारा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आपको अपने कैटो के डैशबोर्ड में विजिबल रहेगा। आप एक से ज़्यादा फंड रेजर भी बना सकते हैं अपनी अलग अलग नीड्स के लिए, और जैसे जैसे जितना जितना पैसा आपको मिल रहा है उससे आपके इलाज में कुछ तो एडवांसमेंट्स आ रहे होंगे। उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहना है ताकि लोगों को ये विश्वास होता रहे कि जिस काम के लिए आप पैसा रेज कर रहे हैं वो काम हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपको अपने अपडेट्स के कॉलम में भी एक्टिव रहना पड़ेगा। और अगर आपको ये डाउट है कि क्या पैसा सही इंसान तक पहुंचेगा कैटो के थ्रू या नहीं पहुंचेगा, उसके लिए आप कैटो की वेबसाइट विजिट करके खुद से चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में। और अगर मान लीजिए दीप चंद को 22 लाख रुपए का फंड मिला है अपने इलाज के लिए और अगर वो दीप चंद तक पहुंचा नहीं होता तो स्टोरी ये नहीं होती, कुछ और होती। तो अब आप जब जान चुके हैं कि मेडिकल इमरजेंसीज में कैटो आपकी बहुत मदद कर सकता है, तो आपको आज ही कैटो पे साइन अप करना चाहिए और आपकी मेडिकल इमरजेंसी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप कैटो के थ्रू फंडरेजर बना के उसे पूरा ज़रूर कर सकते हैं। इसमें कैटो आपकी पूरी सहायता करेगा। कैटो के फेसबुक पेज पर भी अलग अलग फंडरेजर्स की स्टोरीज शेयर होती रहती है कंटिन्यूअसली, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल पाए और वो अपनी मेडिकल नीड्स के लिए फंडरेजर स्टार्ट कर पाएं कैटो के थ्रू। और अगर आपको भी फंड्स की ज़रूरत है मेडिकल नीड्स के लिए तो आप कैटो पे ज़रूर जा सकते हैं। देखिए, ये सभी लोग जिन्हें अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है, लाखों रुपए कैटो के थ्रू रेज कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने अपना फंड रेजर गोल अचीव कर लिया है और काफ़ी लोगों को अभी भी पैसों की ज़रूरत है, पर ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की वजह से, जहां पर हज़ारों लाखों लोगों का ऐसा नेटवर्क है जो आपको अपनी जेब से सिर्फ 10 या 100 रुपए भी अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपकी मेडिकल नीड्स फुलफिल हो सकती हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप कभी मिस नहीं करना चाहेंगे।